What's up guys, I hope you are doing well. My name is Om, welcome to Academy Asia. Today is 16th August and today we will see current affairs, MCQs and some static MCQs. As always, you have to pause the question of the video. You have to treat this video as a quiz. और आपके जो भी मार्क्स हैं उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा. आपको इस वीडियो की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी, जिसको आप डाउनलोड करके फ्यूचर रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर वन, यहाँ पे क्लीनिनेस ऑफ कंट्रीज रेलवे स्टेशन के बारे में पूछ रहा है, जिसमें रिपोर्ट अभी पब्लिश हुई है. तो सर्वे वॉज कंडक्टेड बाई क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया. तो ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू कंडक्ट करवाई गई थी, जिसमें 407 रेलवे स्टेशंस को टोटल रैंक किया गया है, जिसमें 75 A1 कैटेगरी में है और 332 A कैटेगरी स्टेशन है. तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, सी इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर टू, न्यू हॉरिजॉन मिशन जो है नासा के थ्रू, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये प्लूटो से रिलेटेड है. ये वहाँ की स्टडी करने के लिए प्लूटो प्लैनेट के लिए ये नासा के थ्रू भेजा गया है. और इंटरेस्टिंग बात आपको ये लगेगी कि जैसे इस मिशन के बाद, नासा के बाद, इट मेक्स यूएस द फर्स्ट नेशन टू सेंड अ जैसे स्पेस प्रोब टू एवरी प्लैनेट फ्रॉम मर्करी टू प्लूटो. ओके, और ये साइंटिफिक डेटा जो है इसने भेजा है नासा को, और इसके थ्रू ये पता चला है कि एक न्यू हॉरिजॉन स्पेसक्राफ्ट जो है ये बता रहा है कि देर इज़ अ हाइड्रोजन वॉल एट द एंड ऑफ आवर सोलर सिस्टम. ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थ्री, हेग कन्वेंशन इज़ रिलेटेड टू. तो ये बेसिकली रिगार्डिंग प्रोहिबिशन ऑफ इलीगल चिल्ड्रंस ट्रैफिकिंग है. देखो ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने वापस जो भी इंडियन रेसिडेंट हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं उन्हें इंडिया के बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए वापस से परमिशन दे दी है. तो ये हेग कन्वेंशन के अंदर आता है, दैट्स व्हाई दिस इज़ इन न्यूज़. तो इट इज़ रिगार्डिंग प्रोहिबिशन ऑफ इलीगल चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग. क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, पिच टू मूव जो ये इनिशिएटिव है ये किसके थ्रू लॉन्च की गई है? तो ये नीति आयोग के थ्रू लॉन्च की गई है. ओके, पिच टू मूव जो है ये नीति आयोग के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, और ये इन्वेस्ट इंडिया एंड सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर SIAM इनके कोलैबोरेशन से ये लॉन्च हुआ है. और इसकी एम आप देख सकते हो, ये आइडेंटिफाई और रिवॉर्ड करना है स्टार्टअप ऑफरिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर शेयर्ड कनेक्टेड एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली मोबिलिटी. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, महादाई रिवर जो है ये किन स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है? तो आप महादाई रिवर की आप नेटिव लैंग्वेज देखो तो ये मंडोवी है. ओके, और ये गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में डिस्प्यूटेड है. तो यहाँ पे 1, 2, 3 इज़ द करेक्ट आंसर. सॉरी, दिस 2 and 4th ऑप्शन इज़ रिपीटेड. तो ये सी इज़ द करेक्ट आंसर. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे अबाउट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट के बारे में 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. तो इसमें कह रहा है कि लोकल कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए ईच डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रखे जाते हैं, तो वहाँ पे एक लोकल कंप्लेंट कमेटी होगी हर डिस्ट्रिक्ट में. ओके, तो ये स्टेटमेंट सही है. और कंप्लेंट कमेटी की जो है सिविल कोर्ट जितनी पावर होंगी, ये भी स्टेटमेंट सही है. और इनको अगर लॉ को फॉलो नहीं करने पर 50,000 की फ़ाइन भी लगा सकते हैं. तो ये भी स्टेटमेंट सही है, हैंड सी इज़ द करेक्ट आंसर. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में क्वेश्चन है. ये लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के थ्रू. डेफिनेटली ये इनके थ्रू लॉन्च की गई है. यहाँ पे 4 पैरामीटर सोशल, इंस्टीट्यूशनल, इकोनॉमिक और फिजिकल फैक्टर्स को रखा गया है. ठीक है, और उसके अंदर 15 सब कैटेगरीज हैं. तो ये स्टेटमेंट भी सही है. चंडीगढ़ गॉट फर्स्ट प्लेस, नहीं ये स्टेटमेंट गलत है. चंडीगढ़ नहीं, एक्चुअली पुणे गॉट फर्स्ट प्लेस. ओके, सिविल ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स के में. तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है. आप इसके ऊपर जो हमारी एक वीडियो हमारे चैनल पे, आप उसको जाके रेफ़र कर सकते हो
और आप ये क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे. हेंस बी इज द करेक्ट आंसर. 1 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट एपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी एप्टिल. ओके, ये स्टैचूटरी बॉडी है. हाँ जी, ये स्टेटमेंट सही है. और ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंडर सेक्शन 10 है, जिसके अंदर ये APTEL की जिक्र की हुई है. और इसमें चेयरपर्सन के साथ तीन अदर मेंबर्स भी होते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है. यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही है. हेंस बी इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9. यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ और करेंसीज़ के पेयर्स हैं, आपको इनके सही मतलब आंसर्स बताने हैं. तो लीरा की वेनेजुएला नहीं है, लीरा की टर्की है. ओके, और बाकी ये साउथ अफ्रीकन रांड है, और रेनमिनबी चाइना की है, और क्रोना स्वीडन की है. 2 3 4 आर करेक्टली मैच्ड. ये अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि लीरा की वैल्यू बहुत ही रैपिडली अभी इंटरनेशनल मार्केट में गिरी है, और इसका इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंडियन रुपी पे भी दिखेगा, क्योंकि ये मोस्ट ट्रेडेड करेंसीज़ में भी आती है. जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ आप देखोगे 16th नंबर पे टर्किश लीरा आपको दिखेगा. ये मोस्ट ट्रेडेड करेंसीज़ बाय वैल्यू हैं, और 18th नंबर पे इंडिया है. तो डेफिनेटली ये टर्की जो काफ़ी मतलब यूरोप और एशिया दोनों में आता है, वो काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्री भी है. इसने रिसेंटली बहुत ही मतलब अनफेवरेबल कंडीशंस अपने लिए बना दिए, यूएसए से दुश्मनी लेकर, फिर उसके बाद अननेसेसरी सेंट्रल बैंक के अफेयर्स में इंटरफेयर कर. तो यहाँ पे टर्किश लीरा इसलिए काफ़ी रिसेंटली न्यूज़ में है. फिर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, माउंट मकालू जो 5th हाईएस्ट माउंटेन पीक है वर्ल्ड में, ठीक है, और ये चाइना और नेपाल के बॉर्डर के बीच है, चाइना तिब्बत. ओके, और माउंट कामेट जो है ये जोशीमठ डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड में है उसमें लोकेटेड है. हाँ, यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही हैं. अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी ने एक्सपीडिशन स्टार्ट किया माउंट मकालू और माउंट कामेट का, इसलिए ये दोनों ज्योग्राफी के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं. सो माउंट मकालू के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 8 हाईएस्ट माउंटेंस के अंदर है. ओके, और माउंट कामेट के बारे में आप देख सकते हो, ये 2nd एलिवेटेड टॉप है इन गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट आफ्टर नंदा देवी. ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. डोंट यूज़ प्लास्टिक बैग एंड शेयर दिस वीडियो. सो दोज हु नीड द हेल्प should get the maximum benefit out of this video. You can download the PDF of my video from my Telegram link for future revisions. So thank you for watching the lesson. God bless you all.